मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उल्लासनगर में बाइक का धक्का लगने पर दो भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ है और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि उल्लासनगर शहर में गांधी रोड नीज धाम आश्रम के पास सतीश भंडारी अपने एक्टिवा से कारखाने का सामान लेने के लिए जा रहे थे और तभी विजय नामक एक व्यक्ति होंडा साइन गाड़ी से आकर सतीश को धक्का दे देता है। जब सतीश ने विजय से पूछा कि धक्का क्यों दिया, तब विजय ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद विजय ने सनी तेजी और सोहम तेजी व दो अन्य लोगों को बुलाकर सतीश भंडारी और उसके भाई श्याम भंडारी दोनों के साथ गाली गलौज किया, जिसके बाद सोहम तेजी ने सतीश भंडारी के सर पर लोखंड के रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे ही सनी तेजी श्याम भंडारी के सर पर हमला कर दिया और अन्य दो लोगों ने सतीश भंडारी और उसके भाई श्याम भंडारी से गाली गलौज करते हुए दोनों से मारपीट की, जिसके बाद हिल लाइन पुलिस स्टेशन ने सनी तेजी, सोहम तेजी, विजय आदित्य, विजय तेजी व अन्य एक आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 326, 324, 143, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उल्लासनगर निजाम आश्रम 5, वहाँ से भाई मेरा गाड़ी निकल रहा था तो वहाँ से वो पहले तेजी के लड़के लोग आए और थोड़ा उनका मचमच हो गया, गाली गुत्ता हो गया। फिर वो लोग बोला हम किसके लड़के, पहले भाई के लड़के, तो उतने में से उसने फोन किया, उधर से 5-6 लोग आए डंडा रॉड लेके, तो उसके बाद वो लोग मारना चालू किया दोनों भाई को और मेरे को। उसके बाद मार के मेरे को भी 3 टका गिरा है, भाई को 10 टका गिरा है पर करवाए, ज्यादा से ज्यादा उनका उनके ऊपर कार्रवाई हुआ है, उनकी दहशत बहुत है उल्लासनगर में, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। और सागर तेजी, सनी तेजी, रवि और विजय का लड़का भी था। मी बोलते काही लोक बोलते भाईचा पोरगा आहे, डायरेक्ट त्यांनी गाडीला टक्कर मारली आणि सांगितलं मी बोलते भाईचा पोरगा आहे, बोलतो मी काय जे करेल ते मी काय बोलतो इथल्या माझ्या बद्दल आहे पॉवर आहे माझी, तिथे डायरेक्ट मारायची सुरुवात केली, 7-7 जण होते। सागर तेजी, आणखीन विजय, आणखीन सनी तेजी, आणखी दुसरे जण नाव नाही माहित पण त्यांना आम्ही ओळखू शकतो, त्यांनी डायरेक्ट मारायची सुरुवात केली रोड दांडेनी मारायची सुरुवात केली, 7-8 जण होते। तो पोलीस पासून एवढं बोलायचंय मला की आम्हाला न्याय पाहिजे, कारण त्यांची दहशत खूप आहे इकडे, मध्ये ते बरेच जण गायकर पडे तू मारले सर्वांना, म्हणजे बरेच जण ते असे कांड केलेले ते स्वतःला दोन समजतात इकडले, तर पोलीस पासून विनंती आहे एवढीच की कारवाई होली पाहिजे त्यांच्यावर, नाही ते कोणाला विवाह करतील, म्हणजे पब्लिकला देणं मुश्किल होईल इथे उल्हासनगरमध्ये, गुंडागर्दी वाढलेली त्यांची।